श्री जगन्नाथ पाला कलाकार महासंघ कलाकार मानक एक भिन्न रूप अवस्थित हेला बेले गायक संगीत बायक समस्ते खुशी अछंती आनंदित अछंती आगुरु थिला अनुष्ठान नाम निखिल उत्कल पाला गायक परिषद खाली गायक मान बुझौला संगीत भाई मान बायक भाई मान थिला अभिमान अभिजोग थिला किंतु एबे ताहा नूतन रूप से परिवर्तित परिकल्पित हेबा परे समस्त आनंद उत्सव तैयारी हौ चतुर्पाश बसी विज्ञ प्राज्ञ पंडित पुराण शास्त्र विशारद मो ज्ञानी बापा मैंने मो शिक्षित भाई मैंने मो माँ मैंने स्वल्प समय मध्य प्रभु कथा दिधाड़ी आलोचना करने गला बेले मोर मन पड़ जाऊँ समस्त बसीचे एकत्रित एक सतसंग आयोजन ना जगत जिते सतसंग आठ बड़ी सतसंग किसी ना आज बाबुली आम समस्त हम भाषा हूँ बढ़िया आम माटी हूँ बढ़िया ना नहीं मोर मन पड़ जाऊ गोटे पद देवता कोटी ओडियार मौरवणी जगन्नाथ आम ठाकुर आज्ञा प्रभु टे न देखिले न डाकिले मन बुझे विदेश पहुंचले ओडिशा माटीर पुओ बोली जगन्नाथ देशर पुओ बोली आम मूलिया टेल अफिसर आमको मुंडिया मारे आज्ञा ये जगन्नाथ महाप्रभु जो प्रभु आम आज गर्वर सहित बाट चलुचे गर्वर सहित कहचे आम हूँ प्रभु गर्व जगन्नाथ जो भक्त सेठी अच्छी प्रभु नभु कथापन गला बेले बाबू मन पड़ जा जन भक्तर कथा जन भक्तर कथा केमिति जगन्नाथ महाप्रभु कृपा दृष्टि प्रभु तो मंच विराजमान कर से प्रभु कथा निधारी कहवा ना नहीं भक्त प्रबल चली चली श्रीक्षेत्र धाम को जा जगन्नाथ को दर्शन करेंगे मो ज्ञानी बापा मान शिक्षित भाई मैंने लक्ष्य देवे भक्तिरस कहानी टी कह गला आपर्य सहित जी समय बस मोदी समय अच्छी
तार भीतर प्रभु कथा दिधारी मु कहिबे आ गया भक्त जने चली चली जगन्नाथ को दर्शन करिया पे पुरी के जाउचंती आ गया पुरी के गला बेले से भक्त किए कहि कहि जाउचंती गाई गाई जाउचंती से भक्त कोन गीत गाई गाई जाउथिले से कथा तांको गीत को मु गाई देला आपन मन जानिबे से भक्त किए बाबूली से दिन मो प्रभु कहि कहि जाउथांती प्रभु को कथा बुझि बुझि जाउथांती कोन कहिले बोले जेते बेले कृष्णा गोपापुरे थिले अक्रोर प्रभु गोपपुर केश फिटी गला आज दि हाथ गाय दुहुले आत मो प्रभु चार भुजिया दि हाथ गाय दुहला दि हाथ केश विन्यास कला से भक्त मन पके पके जाए आउटे पद गाइले अपन बुझिपर कौन कहले सुग्रीव साथे प्रभु कथा मन पके गला बेले आखिर तार मुह बही जाउ प्रभु कथा को गान करथिला बेले आखिर धार धार लुह बही जाउ मन पड़ जाउ कौन कहले बोले पद्मालया प्राण भक्त प्रबल दीनकृष्ण दास प्रभु को दर्शन करेंगे परीक्षा करेंगे बाटर चली चली गला बेले संध्या आसी आज्ञा संध्या आसी संध्या आसुला बेले मु गोटे पद संध्या वर्णना पढ़ी आज्ञा आज पार्लर हुए तो संध्या वर्णना एत ना जंगल वर्णना रूप वर्णना एगुड़ा दि जाऊ गोटे पद संध्या वर्णना पढ़ी बाबुली कवि किए दीनकृष्ण दास पढ़ी उपेन्द्र भंजी आज्ञा आज जुगर कवि बंची कवि ओडिशार कवि किए आपण मान खोर्धा अंचल पंचुपाटिया 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 गाँव जन्म कर पठाणी घड़े छोटिया मनीष जन एत बड़ मनीष चौसठ पंसठ वर्ष बयस बही टे लिखी थे कलिंग राणी पाला गाँवी पानी द्वार बहुत मत दे आज्ञा मुझे कौन मलिमुंडिया मनुष्य कौन लिखी थे आप आश्चर्य आज्ञा अल्प पढ़ुआ मनुष्य साहित्य सृष्टि कर आश्चर्य
कौन से लेखिंट कलिंगराणी बही रे पठाणी घरे लेखिदेले संध्याधारा पुस्तक आसुची विपरीत अर्थ करते सुंदर साहित्य आज संध्या केमी आस सूर्य संध्या आसला सूर्य बास को चली गल हस्ताचल को चली गलत किसे कहले ज्योति कर कहले किरण संध्या आसला सूर्य हस्ताचल को चली गले सांगरे ज्योति आउ किरण को लेकर गले भिड़ ना आज्ञा ना नहीं किरण को आलोक को सांगरे लेकर गले विभाकर बिनोदिनी निद्रित विभाकर कहले सूर्य बिनोदिनी कहले आज्ञा प्रेमिका सूर्य प्रेमिका होती पद्मिनी पद्म संध्या आसला पद्म विमुद्रिता है गला निद्रिता है गला पद्म मुद्रि है गला ना नहीं आउ कोन ना विवाह कर जा केसिनी विवाह कर जा केसिनी कहले कोन विवाह कर कहले सूर्य विवाह कर जा कहले सूर्य जात कन्या कि जमुना विवाह कर जा केसिनी जमुना नदी जल सदृश केशजुक्ता नारी अर्थात कला केश युक्त नारी अर्थात नववधु मान नुआ बोहू मान विवाह कर नुआ बोहू मान संध्या आसिले कौन कले ना विवाह करे किछि घेनी विवाह कहले आज्ञा विवाह आम कह से विवाह है अर्थ विवाह करेनी तेणु विवाह करे विवाह पर अर्थ हाथ विवाह हाथ में किछि घेनी बाबुल विवाह हाथ कौटा दक्षिण हस्त कहले दक्षिण हस्त घेनी जाचके दे सूर्य थाउ थाउ किरण न बुल जाऊ थाउ जाचक अतिथि गोसाई ब्राह्मण गोसाई साधु संत मान को दक्षिण हस्त दान कले संध्या समर दृश्य आउ कौन कले विभाकर मन उछना विभाकर मन उछना
କରୁଥିବା ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ବିବାହ କହିଲେ ବିବାହ ବିବାହ କରୁଥିବା ନାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ମନ ଉଚ୍ଛନ ହେଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସିଲେ କାହିଁକି ନା ରାତ୍ରି ଆସିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ରାତ୍ରି ହବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ମିଳନର ସମୟ ପାଖେ ଆସୁଛି ମନ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି ବିବାହଙ୍କର ମନ ଉଚ୍ଛନ ବିବାହଙ୍କର ବିପରୀତ କି ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ଆଉ ଅର୍ଥ କରିବାନି କାହିଁକି ନା ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ବାବୁଲି ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଭଉଣୀମାନେ ପାଲା ଗାଇବେ ତେବେ ଭକ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ କଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ନା ମଝିରେ ବସିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବାବାଜୀ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି ଶିଷ୍ୟଗଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କଥାରେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏପଟର ଘଟଣା ହଉଛି ଆଶ୍ରମ ନା ନାଇଁ ଗୁରୁଦେବ ମଝିରେ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମର ବୁଝିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କଠୁ ମନରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ମୋର ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କଥାଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଲେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି ବାବାଜୀ କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସତ କହିବି ନା ମିଛ କହିବି ଯଦି ସତ କହିବି ଯଦି ସତ କହିବି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ନାହାନ୍ତି ନା ନା ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ପୁରୀରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୋଉଠି ଅଛି ବାବାଜୀ କହିଲେ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରେ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ କଟକରେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ କଟକରେ କହିଲେ ଗୁରୁ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଲି ଏ ଯୁଗରେ କଟକରେ ନୁହେଁ ଚାରି ଯୁଗରେ ସିଏ କଟକରେ ଅଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କଟକରେ ରହିଲା ତ୍ରେତୟ ଯୁଗରେ କଟକରେ ରହିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଟକରେ ରହିଲା କଳିରେ ବି ସେ କଟକରେ ରହିଲା ପ୍ରଭୁ ବଳି କଟକେ ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ବଳିକି ପାତାଳକୁ ଚାପିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳି କହିଲା ମୁଁ ତ ପ୍ରଭୁ ପାତାଳକୁ ଦେବି ଦାନ ଦେବଟା ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ମତେ ତ ପାତାଳକୁ ପଠେଇଦେଲ ମୁଁ ପାତାଳକୁ ଯିବି ହେଲେ ମୋ କଟକରେ ମୁଁ ତ ରହି ପାତାଳ କଟକରେ ବଳି କଟକ ନା ହବ ମୋ କଟକରେ ତମେ ଦ୍ୱାରି ହେଇକି ରହିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଦ୍ୱାରି ହେଇକି ବଳି କଟକ ରହିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କଟକ ସହିତ ତାର ଭାବ ଅଛି କୋଉ କଟକେ ରହିଲେ ନା ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଲଙ୍କା କଟକକୁ ଗଲା ପଚାରିଲେ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ କୋଉ କଟକରେ ରହିଲା ନା ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଲଙ୍କା କଟକ ଗଲା ରାବଣକୁ ମାରିଲା ପ୍ରଭୁର କଟକ ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ଭାବ ନା ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୋଉ କଟକ ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶୁଣିବ ଇଏ ମଥୁରା କଟକେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଗୋପ କଟକକୁ ଗଲା।
द्वापर युगर मथुरा कटक जन्म हला गोप कटक बढ़ला द्वारका कटक नगर निर्माण कला वंश बढ़ला तार कटक सांगे आज भाव जुगे जुगे प्रभुर कटक सांगे भाव पूरी सांगे नुहे कहला तो कलि जुगर कौ कटक प्रभु रही कवि लिखले के सुंदर भाव कहले नीलगिरी कटक नीलगिरी कटक कौटी की सी तो पुरी रे ना पुरी रे नीलगिरी कटक हूँ एक सीमित अंचल पुरी हूँ एक व्यापक विस्तृत अंचल तेणु जो जगार प्रभु रही हूँ नीलगिरी नील सुंदर पर्वत नीलगिरी कटक पिला मैंने कहले कथा आज मन को गलानी शुणुंट दिन कृष्ण दास कथा गोटे ध्यान दिखता आज जिते कथा कहीदे बाबाजी कहले पिले तुम सत कथा कहि शुण जगन्नाथ पुरी ना कि कटक जगन्नाथ कौटी अच्छी से दिन बाबाजी बुझे शुण पिले प्रकृत जगन्नाथ कौटी अच्छी ओडिया भागवत जगन्नाथ दास लिखी जगन्नाथ सत कहि पुरी ना कि प्रभु कटक ना कौटी अच्छी ना देह भितर जगन्नाथ अच्छे देह भितर तो जगन्नाथ अच्छे रे पंजाबी टेकिले कौन जगन्नाथ को देखिए आज ना पिला मैंने पचारे कह देह जगन्नाथ अच्छी आज कौ जगार कहना बारंबार पिला प्रश्न पचार देह भितर जगन्नाथ अच्छे कौ जगार अच्छे कहतु बाबाजी पुणी अड़ुआर पड़े पिला मत छाड़े दिन कृष्ण दास शुणुंत कथा देखियो गुरु चेला कथा गुरु शिष्य कथा सरु तापर मुझे समाधान करी जहाँ विचार करा कौन बाबाजी कहले देह भितर जगन्नाथ ना कौटी अच्छी गोटे पर गोटे प्रमाण दे जहाँ श्रीमद भगवत गीता कहते पिंडर प्रभु अच्छी कौटी अच्छी श्रीमद भगवत गीता ईश्वर सर्वभूता बाबाजी बुझेले गीता प्रमाण करी कहिसंती ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सर्जुन तिष्ठति कहले हे अर्जुन ईश्वर भगवान जगन्नाथ सर्वभूतर हृदय रे विराजमान करछि प्रभु हृदय रे अछंती पिला माने सुनिले खाली कौन गोटे प्रमाण आज आपण मानक प्रिय उत्कलमणी पंडित गोपबंध दास समान कथा कही देखिए गीता तो कहले हृदय प्रभु अच्छे गोपबंध दास शिवरात्रि कवितार से कथा लिखिले कौन कहले तोरा
बाबुली उत्कलमणि पंडित गोपबंध दास कहले हृदय कपिलास तोर बहे प्रेम धर स्वयंभू शंकर भगवान हृदय रूपक कपिलास कंदर विराजमान कर गीता कहले पंडित गोपबंध दास कहले आए कवि की निकट आपर प्रिय कवि बाउली दास से समान कथा कहले बाउली दास कौन कहले कहले प्रभु पिंडर अच्छी कौटी ना हृदय अच्छी कहले कहले से तो गीता कहले हृदय प्रभु अच्छी गोपबंध दास कहले पिंड हृदय प्रभु अच्छी बाउली दास से समान कथा कहले हृदय प्रभु अच्छी आउ जन पुओ कहले प्रभु पिंड अच्छी हृदय किए से पुओ महिमा धर्म श्रेष्ठ प्रचारक प्रसारक संथ कह भीम भई जो महिमा पीठ निकट मो घर आज्ञा जोरंदा जोरंदा पीठ से जो महाप्रभु विराजमान होती भीम भई लिखीदे भीम भाई से कहते माउस पु भाई भीम भई कहले पिंड प्रभु अच्छी हृदय ना कौट आप कहना भीम भई कहले कहे शुण शुण मुझे पिंड प्रभु कौटी अच्छी कहे तालुका द्वार शिखे तार तालुका द्वार शिखे अटे तार बास किए कहले हृदय प्रभु भीम भई कहले तालुका द्वार शिखर देश में प्रभु बास कर पिला मैंने पचारे बुझे कौ जगह पर्टिकुला स्पट कहना पिंड प्रभु अच्छी कौ जगार अच्छी कहना कहले तालुका द्वार शिखर देश अवस्थित ना ना ये कथा कहला भीम भई आउट क्लीयर करदे कहे मुझे क्लीयर करदे शुण हाँ कौन कहले भीम भई आउट परिष्कार कर लिखिले भीम भई कहले पिंड प्रभु कौट अच्छी परिष्कार कर दे शुण कहे पिंड भितर गोटे अलेख पाटणापुर अच्छे पिंड भितर गोटे अलेख पाटणापुर अच्छे ब्रह्म विराज मान कर जगन्नाथ से पर्टिकुलर स्पट कह प्रकृत जगह कह अलेख पाटणापुर कहले आम कौन बुझे आउ कौ परिष्कार कले भीम भई कौन कहले कौन कहले भीम भई
भीम भई आउ टिके परिष्कार करी कहले कहले जे स्थान रे ब्रह्म अछि उदय अस्त नाही किछि जोठी ब्रह्म विराजमान करुची से जगार उदय नाही कि अस्त नाही सूर्यंकर किरण जाई परनी कि चंद्रंकर ज्योत्सना जाई परनी जहा को गीता लिखि चन जे आपन माने ज्ञानीगुडी बोले कथा दे धाडी कहू छी कहले मुटे पुराण भितु जीवा कथा मो मां माने व्यस्त होतियो कहले पुराण कथा न कहि पुओ कोन एमति से पिंड ब्रह्मांड कथा कहिलेनी किरण जाई पारे ना चंद्र ज्योत्सना जाई पारे ना श्रीमद भगवत गीता लेखा है कहले न तत भाषयत सूर्य न शशाङ्क न पावक जगत्वान निवर्तन्ते प्रभु जोठी विराजमान श्लोक पढ़ुच्छ संस्कृत भागवत महर्षि व्यासदेव लिखि दैछन्ति अर्थ बाहर प्रकृत कथा ठीक ना भूल कौन व्यासदेव कहले किंतु व्यासदेव कहिले सूर्य चंद्र प्रभुंकर आखि आज्ञा हाँ नहीं भगवान से चंद्र सूर्य प्रभु तांकर नेत्र जन्नाभि सरसि रुहांतर पद भृंगायमान विद्धि जस्य इंदु आउ इन्न आउ अर्थ करे समान नहीं इंदु आउ इन्न इंदु कहिले चंद्र इन्न कहिले सूर्य चंद्र सूर्य जहांकर नेत्र आ सूर्य चंद्र से जाई परिबे ने केमिति जो प्रभुंकर नेत्र हले चंद्र सूर्य चंद्र सूर्य से प्रवेश कमि करि परिबे नि ना से कथा भूल चंद्र होचंदी आज रज गुण सूर्य हले सत गुण अग्नि होचंदी तम गुण ए त्रिगुण प्रभु पाखक जाई पारे ना चंद्र सूर्य अग्नि कथा नहो हौ तबे भीम भाई कहिले ए प्रभु कोठी अछि पिंड भितरे प्रभु आपर पंच सुखा जुगीय बरण्य जशवंत दास कहले जशवंत दास कौन कहले कहले जो बिंधाणी रखिला दस बाट लगाइला कबाट
शिशु मुना द्वारे रहिले नंद चाट से गोटे जगह कहीदे कह पिंडेर प्रभु अच्छी से गोटे जगह कहले गोटे स्पट कहले से जगह हूँ माँ शिशु मुना द्वार पे पचारे आज शिशु मुना द्वार कौटा आउ जे बाहर बुझे अनंत दास अनंत दास कहीदे कौन कहले कहे दुखु दुखी शिशु मुना द्वार प्रभु पिंड भीतर कोठी अछि अष्टादश पुराण स्रष्टा महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव कहिले पिंडरे प्रभु कोठी अछि केते कथा गोटे पत्र से काटि देले आज्ञा कौन कहिले बोले कास्थ मध्य तथा बन्ही पुष्पे गंध पय हृदा आज्ञा के सुंदर न्यायटा देखते किए कह हृदय प्रभु अच्छी किए कहे ये प्रभु अच्छी किए कहे ये प्रभु अच्छी कते कथा कहीदे व्यास के सुंदर भाव समाधान करदे प्रभु पिंड भितर अच्छी जथा बन्ही काठ भितर निमि अच्छी जो अच्छी काठ भितर निया अछि मा तु नियाटा कोठी अछि हम कहि परबा हमे सिला कहलनि जे काठ कुरौ जे चुल्ली रे से कहबा नै केहि कहि परबेनि काठ भितर नियाटा जेमिति अछि जोठी अछि पुष्पे गंध फुलरे वासना अछि फुलरे वासना कोठी अछि हम कहि परबा ग्या मालिक कहि परबनि जे तोलु ना अच्छा ये पये घृत खीर रे घी अछि किनि घीटा खीर भितर कोठी अछि हम कहि परबा ना हमे कोई परियां नहीं सीना अपनो घर गौरु ए मारो होच नहीं से जानदा मु गोपाल घर पुओ तो तुम मते देखे दी पद से कह दउ जो मनसे आ गया समझे मिसे ये आगु भियो पिलांग संगरे पालिया हे जाउथला ए ए 5 वर्ष होला मो संगे जाउ छी मंगुल डेई नथला मो संगे गोला पर विभिन्न जिल्ला बिसे बुलु छी पाला गाउ छी मो जाति के आगे धरियो मो घर मंगुली तबे देखुन कते सुंदर न्याय आ गया व्यासदेव कहले काठ भितर निया जेमिति अछि जोठि अछि फुलरे वासना जेमिति अछि जोठि अछि एबो खिररे घीओ जेमिति अछि जोठि अछि प्रभु ए पिंड भितर सेमिति अछि सेठि अछि ताल प्रभु कोठि अछन्ते आ गया आपन मन विचार करन केमिति अछन्ते प्रभु हां हां बबली तबे कथा काहे कि कहले आ गया दिन कृष्ण दास सुनुथिले गुरु शिष्यंगर कथा कहले काहे कि पुरी कि जीवि बाबाजी कौन कहले पुरी जगन्नाथ ना कहीं पुरी बाटर भेट हेले किए जड़े शैव सन्यासी सहित भेट हेले जन शैव सन्यासी सहित भेट हेले शैव शाक्त ना ना वैष्णव अनेक सन्यासी अच्छा तेनाली जन शैव सन्यासी सहित भेट हेले शैव सन्यासी पचारे कह बापा कौन मन दुख रे फेरु ज्ञान ना देखते जगन्नाथ पुरी अच्छी जगन्नाथ पुरी अच्छी ना नहीं बुझे दल बाबाजी कहले कहीं भूल पिलाटा पड़े जा प्रभु परीक्षा करके जाऊ टिके परीक्षा करके आसु जगन्नाथ को परीक्षा करके गला बेले बड़ दांड डे 22 पाहाच डे आज्ञा 7 पाहाच पाखरे उभा है जगन्नाथ को डाकियो बोली रात्रि जाई पहुंची गला दिन कृष्ण दास रात्रि बेले पहुंच जाई पहर पड़ जाई तुम प्रभुर कपाट को ठक ठक कर बारउची से दिन कृष्ण दास कहू जगा ए जगा जगा अरे राती आते ला किए रे जगन्नाथ ए जगन्नाथ का तो बापर होलिया अरे जगा ए मोई सब दिन लगा पूजा कर करे राती भी सोई देवन मु दिन कृष्ण दास कहू छी ए गेले का कहतो
प्रभु दर्शन करने मो घर ढेकाना आज्ञा गोसाई हसिले गोसाई पंडा गोसाई दिनकरण दास असम्मानित अपमानित कला भाई कथा दिदाड़ी कहले ठाकुर दर्शन प्रभु दर्शन प्रभु दर्शन कर ठाकुर दर्शन महादेव दर्शन कवि कहले महादेव अस्नाने न स्नाने न अस्नाने शिव ठाकुर जिते बेले पर्यंत ये गाधोई नथिबे मुंडे रे जल ढला न होइथिबो दर्शन करिया जिबे नै आज्ञा गले दुख बढ़िबो मो मा मन रख शिव ठाकुर मुंडे रे जल नढला पर्यंत दर्शन करिया जिबे नै महादेव अस्नाने न विष्णु स्वयं मंदिर विष्णु कहतु नारायण कहतु जगन्नाथ कहतु जदि सोइथिबे पहरा पड़थव जमा दर्शन करिया जिबे नै गले दुख बढ़िबो अंबिका चारधरात्रेण अंबिका च अर्धरात्रेण माँ दुर्गा को अर्धरात्र के डाकबे दुर्गा को अर्धरात्र डाक पंडा को बुझेदेला ये तो भक्त भावे प्रभु दर्शन करिए प्रभु दर्शन कर प्रभु दर्शन कर नना ब्रॉयलर कुकुरा गोसाई कौन कबाट मुंड मार हो गला आघात लगला कौन गोसाई रक्त बाहर बड़ बाहर कदला गोसाई देखो गोसाई मोर भूल हो गला गोटे भाव प्रवणता भितर टिक आपन को आघात कर देली अरे ढेकाना आसी पूरी रे हाथ उठाई देला गोसाई सुनंतु मु भक्त प्रभु को भाव रे मु डाक दिली चाय में ब तते मु छाड़ी रे गोसाई जो हाथ ये बड़ पंडाजी दास आज पर्यंत ये दास को हाथ उठे तमें पूरी हाथ उठेल अभिशाप जो हाथ मत आघात कर उस
ଶାପ ଦେଇଦେଲେ ବଡ ପଣ୍ଡା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ଯୋଉ ହାତରେ ତୁମେ ତ ଆଘାତ କଲୁ ସେ ହାତ ଦୁଇଟା ତୋର କୁଠ ବାଧି ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ସତ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗପ ନୁହେଁ କି କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଦିନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ପଣ୍ଡା ଗୋସାଇଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପାଇଲା ପରେ ଆସି ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦିନ ରହିଲେ, ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଜଗତରେ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦି ଜଣ, ଯିଏ ପରସ୍ପରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ହର ଏବଂ ହରି। ହର ହରି କି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି, ହରି ହରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଦିନ ଭାରତୀୟ ଶେକ୍ସପିୟର କାଳିଦାସଙ୍କ ସେ ଶ୍ଳୋକ, ରଘୁବଂଶ କାବ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକରେ କାଳିଦାସ ଲେଖିଲେ, ବୋଲେ ବାଗର୍ଥା ବିବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଏବଂ ମୋ ମା ପାର୍ବତୀ ଜଗତର ବାପା ମା। ତେବେ ଜଗତର ବାପା ମା ହେଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଭିତରୁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କାଳିଦାସ ବାଛିଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଗତର ବାପା ମା? ତାଙ୍କର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ ବୋଲି ବାଛିଲେ। 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ଆମ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ଦି ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ଜଗତର ବାପା ମା ଶିବ ପାର୍ବତୀ। କାହିଁକି ତାର କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କହୁଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ବାବୁଲି, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଲା, ବିଷ ପିଇଦେଲେ କିଏ? ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ବିଷ ପିଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଅନୁରୋଧ କଲା ବେଳେ ସେତେବେଳେ ଶିବ ଠାକୁର ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବା, ଆମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରିବାନି? ଶିବ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବିଷ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବତା ରାକ୍ଷସ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମା ପାର୍ବତୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ବନ୍ଦନା କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ କାହିଁକି ଜଗତର ବାପା ମା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ବିଷ ପିଇବା ପାଇଁ, ମା ପାର୍ବତୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦନା କଲେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ମା ମନେ ରଖ, ଜଗତରେ ଏକମାତ୍ର ଠାକୁରାଣୀ, ଏକମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ମା ପାର୍ବତୀ। ସ୍ୱାମୀକି ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ। ବାବୁଲି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ତତେ ଯୋଉଠି ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି? ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି? ନା, କିନ୍ତୁ ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ଠାକୁରାଣୀ ମୋ ମା ପାର୍ବତୀ, ସ୍ୱାମୀକି ଯୋଉଠି ଦେଖିବେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ। ସେଦିନ ବନ୍ଦନା କରି କହିଲେ ମୋ ମା ପାର୍ବତୀ, କଣ କହିଲେ? ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଗୀତ ପଢୁଛୁ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଢେଙ୍କାନାଳର ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ହିସାବରେ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମା ପାର୍ବତୀ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟିଏ ଗୀତ, କହିଲେ ବନ୍ଦଇ ଅର୍ଘ୍ୟଗିରି ଯେ ମାଗ କର କ୍ଷମା, ବନ୍ଦଇ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତାଣ୍ଡବେ ଉନ୍ମତ ଗୋ ହେଲେ ଭଗବାନ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମୋ ମା ପାର୍ବତୀ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସାଧୁସଜ୍ଜନ ମାନଙ୍କର, ଆଜି ମୋ ମା ମାନଙ୍କର, ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା, ଅଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କର, ଏଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲା କଳାକାର ମହାସଂଘର ତଥା ଏ ଭାରତବର୍ଷର ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ବିଛନ୍ତୁ। ବୋଲ ପ୍ରେମାନ୍ଦେ କବାର ହରି ବୋଲ।